एमसीक्यू नंबर 21। इसमें आप जरा गौर करें कि न्यूमिरेटर के अंदर सीकेंट स्क्वायर एक्स मौजूद है और डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो टेन एक्स स्क्वायर रूट मौजूद है। अब इन दोनों के अंदर एक खास किस्म का रिलेशन है, आपने उसको पकड़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको रूल की बात बता देता हूं। ये एक इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जब भी आप लोगों के पास किसी एक फंक्शन की कोई पावर इन्वॉल्व हो जाए, रैशनल पावर, रैशनल नंबर, और फिर इस फंक्शन की साथ साथ इसका जो डेरिवेटिव है वो अगर प्रोडक्ट की शक्ल के अंदर मौजूद हो, तो ऐसे फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसका आंसर आता है इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन की गिवन पावर में आपने 1 को ऐड कर देना है और जो न्यू रिजल्टिंग पावर एन प्लस 1 उस पर आपने डिवाइड कर देना है। सो दिस इज अ पावर रूल। यहां पे भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन बन रही है। आप देखें जरा, टेन एक्स स्क्वेयर रूट का मतलब होता है टेन एक्स की होल पावर 1/2। ये टेन एक्स की 1/2 पावर न्यूमिरेटर में आके नेगेटिव 1/2 होगी। फिर इसके पीछे आप देखें, हमें गिवन है इसका डेरिवेटिव मौजूद है सीकेंट स्क्वेयर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो आप देखें जरा, इस ऊपर वाले रूल के मुताबिक टेन एक्स की गिवन पावर में हम 1 को प्लस कर देंगे और जो न्यू रिजल्टिंग पावर आएगी -1/2 + 1, इस पे हम डिवाइड भी कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में न्यूमिरेटर में आप याद रखिएगा कि 1 - 1/2, इसका आंसर क्या आता है? एलसीएम लो, पॉजिटिव 1/2 आएगा। कैसे आएगा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें -1 और आगे आपके पास आ जाएगा +2। तो 2 - 1 = 1/2 आ जाएगा। तो इसकी पावर बन गई 1/2 + c और डिनोमिनेटर में भी इसी तरीके से 1/2 आ जाएगा। अब ये एक प्रॉपर्टी है, अगर कहीं पे लिखा हुआ a/b/c तो ये c ऊपर a के साथ जाके मल्टीप्लाई होना होता है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो 2 है डिनोमिनेटर वाला, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप याद रखिएगा, अगर x की पावर 1/2 लिखी हुई है तो इसका मतलब होता है स्क्वेयर रूट ऑफ x। तो टेन एक्स की पावर 2 है तो 1/2 है, तो इसका मतलब होगा स्क्वेयर रूट ऑफ टेन एक्स। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन बना अल्फा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 22। अब देखें, एमसीक्यूज की काफी सारी टेक्निक्स होती हैं। एक टेक्निक का नाम है बैक सॉल्व करना, ये आपको पता होना चाहिए। तो बैक सॉल्विंग की टेक्निक जो है वो होती क्या है, इसमें हम ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। आप देखें जरा, हम कहते हैं कि अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लो, फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आंसर आ जाए जी ऑफ एक्स। तो आप पढ़ चुके हो कि जी ऑफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड इन रिटर्न एफ ऑफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी जब जी ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब आपने सोचना है, यहां पर आपने सोचना है कि हम ये जो चार ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन से ऑप्शन को हम डिफरेंशिएट करें कि हमें ये गिवन फंक्शन मिल जाए, ये वाला ई एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो इसका पहली बार बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बीटा ऑप्शन को जरा आप करें डिफरेंशिएट। एक्स और ई पावर एक्स में प्रोडक्ट यहां पे इन्वॉल्व है, तो प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहां से ई एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं ई एक्स ही होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये 1 आ गया। अब दोनों के अंदर ई एक्स इज कॉमन, तो जब ई एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा आपके पास एक्स प्लस 1। तो देखें, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 23। ये आपने एक फॉर्मूला याद रखना है कि आपके पास डी एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 1 - x2। ये किसका फॉर्मूला होता है? इसके दो आंसर्स आ सकते हैं। तो अब ये पता नहीं किसके अकॉर्डिंग गिवन है, बहरहाल हम एक आंसर यहां पे लिख लेते हैं। इसका आंसर आता है साइन इनवर्स ऑफ एंगल एक्स। अब आपको लिमिट गिवन है, लिमिट है आपके पास 1/2। आई गेस सो, ये सही क्लियर नहीं है, अभी देख लेते हैं। ये लिमिट है आपके पास 1/2 और 0। तो यहां पे इसके ऊपर भी आ जाएगी लिमिट। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन नहीं है, ये लिमिट मेंशन करने का साइन है। तो सबसे पहले अपर लिमिट को अप्लाई किया जाता है, तो एंगल की जगह आप पुट कर दें साइन इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट 0। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का मतलब होता है 30 डिग्रीज, यानी पाई बाय 6, और साइन इनवर्स ऑफ 0 इक्वल्स 0। तो पाई बाय 6 - 0 इक्वल्स पाई बाय 6।
डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो कंफर्म हो गया कि ये जो गिवन है अपर लिमिट दिस इज इक्वल टू 1/2. एमसीक्यू नंबर 24, इसमें आपके पास सीधा साधा सा एक फॉर्मूला बन रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर, 9 को लिखा जा सकता है 3 स्क्वेयर, तो ये फॉर्मूला बन रहा है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 3. ठीक है, तो इसके बाद हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है. लेकिन लिमिट अप्लाई करने से पहले मैं जरा आपको फॉर्मूला बता दूं कि फॉर्मूला क्या होता है. याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए. फॉर्मूला होता है 1/a मल्टीप्लाइड बाई टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए. ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया. अब लिमिट भी गिवन है तो ये वेरिएबल वाली टर्म के ऊपर लिमिट आ जाएगी. क्या लिमिट गिवन है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3. 0 को लोअर लिमिट कहते हैं, 3 को अपर लिमिट कहते हैं. तो लिमिट अप्लाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपने सबसे पहले अपर लिमिट को अप्लाई करना होता है. यानी x की जगह ये बड़े वाला नंबर सबसे पहले आप पुट करेंगे जो ऊपर है, तो ये हो जाएगा x by 3 की जगह 3/3. फिर लोअर लिमिट अप्लाई होगी तो tan इनवर्स ऑफ 0/3. ये बाहर का 3 एज इट इज चलेगा, tan इनवर्स ये 3 3 से कैंसिल, तो यहां पे बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0/3 इज 0. तो tan इनवर्स ऑफ 1 आप लोग जानते हैं, आपको ये जुबानी याद होना चाहिए, 45 डिग्रीज बनता है, यानी पाई बाय 4 रेडियन बनता है. tan इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो ये 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 3 4 जा 12 हो जाएगा. तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 25. आप जरा देखें, एक सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स इक्वल्स सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स. ये फॉर्मूला आपने याद किया था चैप्टर नंबर 2 में, मैंने रिवाइज करवा दिया. अब आप इसको दोनों साइड्स के ऊपर से इंटीग्रेट करवा दें. डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन एक्स इंटू डी एक्स. तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे. तो आप देखें जरा, जो रिक्वायर्ड थी इंटीग्रेशन वो किसके इक्वल आ जाएगी? वो आ जाएगी इक्वल टू secant of x. Delta option is the correct option. MCQ number 26. Cot x का formula. ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं. ये as it is आपने याद करना है. Cot x का formula होता है natural log of sin x. इसके अंदर कोई trick वगैरह नहीं है. MCQ number 27. Sin 2x divided by sin x. इसके अंदर हमें थोड़ी सी working करनी पड़ेगी. तो इसके लिए हम थोड़ी सी वर्किंग करके चेक करते हैं जरा. साइन 2x डबल एंगल आइडेंटिटी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में याद की थी. साइन 2 थीटा इक्वल्स 2 टाइम्स साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा. ठीक है, यहां पे जो एंगल होगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्टिंग एंगल राइट साइड पे आ जाएगा. तो अब आप जरा देखें, ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं न्यूमिरेटर में. साइन 2x है यहां पे, थीटा इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन x into cos of x whole divided by given है sin x. अब ये sin x numerator and denominator से cancel हो जाएगा. 2 constant है, उसको integration के outside लिखना होता है cos x dx. और cos x की आप लोग integration जानते हैं, ये होती है sin x. negative का ध्यान रखना, यहाँ पे negative नहीं आएगा. formula अगर आपने याद किया तो आपको पता होगा. so delta option is the correct option. MCQ नंबर 28. देखें, इसके लिए मैं आपको एक रूल इंटीग्रेशन का सिखा देता हूं. ये पहले भी प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर प्रीवियस MCQs में भी काफी दफा डिस्कस हो चुके हैं, यहां पर रिवाइज करवा देता हूं मैं. आपने एक बात याद रखनी है. देखें, अगर आपके पास क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाए, इस तरह से फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाए कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल हो, यानी डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की होल पावर 1 हो और ये जो बेस के अंदर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल हो, तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप डिनोमिनेटर में बेस वाले फंक्शन का नेचुरल लॉगरिथम लिखते हैं और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं. अब आप देखें, इस क्वेश्चन में अगर फॉर्मूले की शक्ल में देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स गिवन है इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, उसके साथ
जो डेरिवेटिव है प्राइम ऑफ एक्स टैन का डेरिवेटिव होता है ना सीकेंट स्क्वायर एक्स, वो ऊपर अवेलेबल है। तो ये तो वही सिचुएशन बन गई कि यानी फ्रैक्शन ऐसी इन्वॉल्व है जिसके डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है टैन एक्स की शक्ल में, उसकी होल पावर कुछ भी नहीं है तो वन होगी, न्यूमिनेटर में उसका जो डेरिवेटिव है वो इन्वॉल्व है यानी सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये यहां पे मैंने लिख दिया इन्वॉल्व है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो क्या होगा नेचुरल लॉग ऑफ टेन एक्स, इसके ऑप्शंस यहां पे गिवन नहीं है, चलिए वो भी आ जाते हैं सामने। तो बहरहाल इसका ये राइट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 28, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था नेचुरल लॉग ऑफ टेन एक्स, यही इसका आंसर है। एमसीक्यू नंबर 29 के लिए एक पर्टिकुलर रूल मैं आपको बता रहा हूं, ये आज से पहले इस एमसीक्यू सीरीज में डिस्कस नहीं हुआ लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और रूल है। देखिए अगर आपके पास इस शक्ल का फंक्शन हो, यानी आपके पास मौजूद हो e पावर ए एक्स और फिर जो a इधर मौजूद है वही a जो है किसी दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाए और इसके साथ ये जो फंक्शन इन्वॉल्व है इसका डेरिवेटिव आगे अवेलेबल हो, तो ऐसे इस किस्म के फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करवाने के लिए हम क्या लिखते हैं, इसका आंसर इंटीग्रेशन का इक्वल आता है e पावर ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब आप जरा देखें हम गिवन क्वेश्चन में आते हैं, उसको जरा रीअरेंज करते हैं। वहां पे हमें गिवन है e पावर x, a इज इक्वल टू 1 हो गया, यहां पे मैं लिख देता हूं a इज इक्वल टू 1। फिर हम जरा सीकेंट इनवर्स x को थोड़ा रीअरेंज करके पहले ले आते हैं और वो जो स्क्वेयर रूट वाली टर्म्स है उनको हम सेकेंड पोजिशन पे शिफ्ट कर देते हैं मैच करने के लिए। तो इस लिहाज से आप देखो जरा कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास होगा इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव चैप्टर टू में आप लोगों ने याद किया था ये होता है एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो इस लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा इसका आंसर क्या आना चाहिए, ई पावर ए एक्स विद ए इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। सो दिस इज द राइट ऑप्शन।